हेलो दोस्तों, एमीटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फर्नेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फर्नेस एक फर्नेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टोम P145 वायर यूज़ करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जब इस वायर के अंदर से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। उसके वजह से क्या होता है कि ये जो वायर होता है, वायर के चारों तरफ हीट जनरेट होता है। यही होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फर्नेस को हम बेसिकली हीट ट्रीटमेंट के लिए या फिर जो भी मेटल होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, उस टाइप का मटेरियल को हम लोग मेल्टिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली इस तरह का जो फर्नेस होता है, ये हम लोगों का नॉर्मलाइजिंग या हार्डनिंग के लिए फॉर्जिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो ये हम लोगों के पास एक फर्नेस है। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली स्क्वायर टाइप का या फिर रेक्टेंगल शेप का होता है, और इसका दोनों साइड पे ऐसे सिरामिक ट्यूब लगा हुआ होता है, और सिरामिक ट्यूब के ऊपर जो रेजिस्टोम P145 वायर होता है, इस वायर को ऐसे सर्कुलर जैसे इसको रोटेट करके लगाया जाता है। इसमें ऐसे स्पायरल फॉर्म में इस वायर को लगाने के वजह से क्या होता है कि इसका जो लाइफ होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और हाई सरफेस लोड भी मिलता है। अब देखिए, ये जो हम लोगों के पास फर्नेस है, इसका जो मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका इलेक्ट्रिक पावर 75 किलोवाट 3 फेज, और एवरेज इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन 0.8 किलोवाट पर आवर होता है। ये जो फर्नेस है, फर्नेस का जो बाहर का जो शेल होता है वो हम लोगों का 10 mm थिक प्लेट का बना हुआ होता है, जिसमें हम लोगों का जो प्लेट होता है, प्लेट और चैनल को वेल्डिंग करके बनाया जाता है। और उसके अंदर, मतलब ये जो मेटल का स्ट्रक्चर हो, मेटल का स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों का हीट रेजिस्टेंस मटेरियल जैसे कि ग्लास वूल दिया हुआ रहता है। और ये इधर दोनों एंड पे हम लोगों का दिया हुआ होता है थर्मोकपल, जो कि इसका अंदर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को सेंस करता है। देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों का सिरामिक ट्यूब होता है, सिरामिक ट्यूब के ऊपर जो कॉयल होता है ना, ये एक सेट के हिसाब से होता है, जैसे कि ये दोनों कॉयल मिला के एक सेट, ये दोनों कॉयल मिला के एक सेट। आगे हम लोग जो प्रैक्टिकल में देखेंगे उसमें हम लोगों का हर एक साइड पर 3 सेट ऐसे कॉयल लगा हुआ होता है। तो ये हम लोगों का सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हम लोगों का फेस के साथ कनेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे कॉयल घूम के आया, और यहाँ से इसका एंड जाके दोबारा इस कॉयल के ऊपर टर्न करके हम लोग फेस के साथ कनेक्ट हो गया। इसी तरह से ऐसे दो, यहाँ पे हम लोगों का 2 सेट है, और ये थर्मोकपल जो है, थर्मोकपल हम लोगों का जो टेम्परेचर को सेंस करता है, दोनों साइड पे दोनों थर्मोकपल लगा हुआ होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए PID सिस्टम यूज़ होता है। PID सिस्टम क्या होता है वो हम आगे दूसरे वीडियो पे देखेंगे कि PID सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। तो बहुत ही सिंपल है इसका कंस्ट्रक्शन। अगर ये साइज में बहुत छोटा होगा तो इसमें क्या होता है, इसका ऊपर साइड पे इसका जो कैप होगा, जिसके वजह से हम लोग कैप को रिमूव करके इसके अंदर किसी भी मेटल को या फिर मटेरियल को डाल सकते हैं। और अगर ये साइज़ में बहुत बड़ा होगा तो उसमें क्या होता है, ऐसे इसका बाहर साइड पे रेल के जैसा ट्रैक दिया हुआ होता है, रेल के ट्रैक के ऊपर हम लोगों का जो ट्रॉली होता है, और ट्रॉली के अंदर से हम लोग इसके अंदर मटेरियल को डाल सकते हैं। उसका जो गेट होता है, गेट ऐसे ऊपर स्लाइडिंग अप एंड डाउन होता है, जिसके लिए यहाँ पर ऊपर मोटर और गियर बॉक्स का अरेंजमेंट दिया होता है, जिसके वजह से हम गेट को ऊपर या नीचे स्लाइड कर सकते हैं। यह इसका गेट और नीचे ट्रैक जिसके ऊपर ट्रॉली चलता है, और ऊपर है हम लोगों का 2 मोटर जिसके वजह से गेट अप एंड डाउन होता है। यह हम लोगों का मोटर और गियर बॉक्स में एक पिनियन लगा हुआ होता है। ये पिनियन
इस ट्रैक के ऊपर चलता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो ट्रॉली है वो फर्नेस के अंदर जाता है और फर्नेस से बाहर आता है। इसका फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ड्राइव ही हो सकता है। फॉरवर्ड ड्राइव में अगर होगा तो जो ट्रॉली है वो अंदर जाएगा, और रिवर्स में जब ये घूमेगा तो ट्रॉली जो है वो बाहर आएगा।